हमारे ढोलकपुर में कोई ऊंची माखन की मटकी फोड़ के इस दिन का महागोविंदा बनने वाला है। वाह, क्या निशाना लगाया राजू। शुक्रिया। ये लो, और हमारी हांडी मटकी की जगह तैयार है। ओए भीम, तुम क्या समझते हो कि तुम ढोलकपुर के महागोविंदा बनने वाले हो? मक्खन ही मक्खन है हर ओर, आ जाओ बच्चों देखे कौन है माखन चोर। मुझे जन्माष्टमी का त्योहार बहुत पसंद है। त्योहार के समय ही सबसे स्वादिष्ट मक्खन खाने को मिलता है। मक्खन तो सुनो सुनो प्यारे बच्चों, तुम सब में नन्हा नटखट कृष्णा कौन बनना चाहता है? हम बनेंगे। ढोलकपुर और इस आस पास के गांव में सभी बच्चों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता है। जीतने वाले बच्चे को इनाम मिलेगा और सबसे प्यारे कृष्णा का खिताब भी। तो जल्दी से अपने अपने कृष्णा के पोशाक तैयार कर लो। वाह, अरे वाह, तुम दोनों तो सच में बहुत प्यारे लग रहे हो। ओफो, जल्दी बताओ कालिया की आखिर बात क्या है? दूसरे प्रतियोगियों ने तो बहुत ही बेहतरीन तैयारियां की हैं। मनु माखन चोर कृष्णा बन रहा है, एक और बच्चा बुराई मिटाने वाला कृष्ण। अगर ऐसी बात है तो हम भी कुछ बढ़िया कर सकते हैं। हम प्रस्तुत करेंगे राधा कृष्णा। वहाँ बाजार में तेरा दोस्त कान्हा तुझे खोज रहा है। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई कान्हा। हमेशा की तरह नटखट। आप भी गए? तुम्हें तो हम लगभग रोज याद करते हैं। मगर कान्हा, तुम अचानक यहाँ? यूं कह लो कि जब कोई बुलाता है तो मैं आए बिना रह नहीं सकती। क्या खुशबू है। तुम्हें पता है ढोलकपुर में जो लड्डू मिलते हैं वैसे कहीं और नहीं मिलते। हमें भी चखने हैं ये लड्डू। हाँ जरूर। सब आ चुके हैं। मेरी राधा है कहाँ? चुटकी अब तक नहीं आई है। और जब तक तुम दोनों लड़ते रहोगे वो आएगी भी नहीं। तुम दोनों एक साथ काम करना भूल रहे हो और तब से लड़ रहे हो। अब चुटकी तुम्हारी मदद सिर्फ तब करेगी जब तुम दोनों हाथ मिलाकर दोस्त बन जाओगे। भाइयों और बहनों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। इस साल हम ढूंढने निकले हैं सबसे प्यारे और नटखट कृष्ण कन्हैया को, और जीतने वाले बच्चे को मिलेगा इनाम और सबसे प्यारे कृष्णा का खिताब भी। तो पहले प्रतियोगी है मन्नू। मम्मम कहाँ है? बहुत ही प्यारा बच्चा था पर शायद वो तो अगला प्रतियोगी है। कहाँ है छोटा कृष्ण? मैं तो यही हूँ। ऑल द बेस्ट यू बुलू, तुम दोनों सबसे अच्छा करके आओगे। ओह, मेरे छोटे कृष्ण कहाँ है? कृष्ण यहाँ हो रहा। ओह,
यहाँ यहाँ देखो छोटा कृष्णा यहाँ है। छोटे कृष्ण तो बहुत नटखट है, वो हर जगह रहते हैं और ढोलू भोलू ने आपको दिखाया अंतर्यामी कृष्णा। कितना प्यारा प्रदर्शन किया ढोलू भोलू ने। अब सारे प्रतियोगी और राजा इंद्र वर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ ताकि विजेता की घोषणा की जाए। ढोलकपुर के अंतर्यामी कृष्णा। अरे डोनो कैसे ठीक दही हांडी के समय पर आ गया? बच्चा है कि हाथी? मेरी पीठ। ढोलू भोलू भी आ गए हैं मैदान में, अब कौन पहले पहुंचेगा देखते हैं। शक्तिशाली भीम या मस्ती खोर राजू। हांडी को तोड़ो। दोनों नहीं, मक्खन में कुछ मिलाया हुआ है। मक्खन मत खाना, मक्खन मत खाना। क्या हो रहा है? चुटकी गाय यहाँ कैसे? दूध में कुछ काला है। ये है ढोलकपुर की गाय, तो दोनों यहाँ से ही दूध में मिलावट कर रहा है। भागो, सबकी शक्ति बढ़ाता है दूध, हर एक बीमारी को भगाता है दूध। क्या तुम और तुम्हारे दोस्त मेरी मदद करोगे? छिप जाओ, मैं दोनों को संभालता हूँ। अब मैं ही हूँ राजा। हमारी प्यारी गाय, अरे तुम्हारे दूध से ही हमें इतनी शक्ति मिली। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली शक्ति। नहीं, हमारी गायों को पकड़ने चले थे, खुद ही पकड़े गए डोनो। ढोलकपुर में तो हर कोई है महागोविंदा। कान्हा, अब की बार तुम कुछ दिन हमारे साथ ढोलकपुर में रहो। नहीं भीम, मुझे जाना होगा। हाँ कान्हा, रुक जाओ ना। देखो तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। अगर तुम नहीं रुके ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अच्छा, बात नहीं करोगे तो फिर मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अरे अरे कान्हा कहाँ गया? वहाँ पेड़ के पीछे छुपा है। लेकिन यहाँ तो नहीं है कान्हा।
कान्हा कहाँ हो तुम? कान्हा कहाँ हो? अरे वाह, अरे पकड़ लिया।